नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज मैं आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेके आ चुका हूं। आज हमारे पास है होंडा SP 125 BS6 2020 मॉडल, जो कि हमारी गाड़ी लगभग 3000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि ये बाइक क्यों बेहतर है अगर आप इसको पल्सर 125 से कंपेयर करना चाहते हैं। तो अगर आपको पल्सर 125 और होंडा SP में एक बाइक को चूज़ करना है तो उसके लिए कौन सी बेहतर बाइक रहेगी और होंडा SP क्यों बेहतर है, आज मैं आपको इस 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिसके लिए आप होंडा SP जा सकते हैं, जो आपको पल्सर 125 में फीचर देखने को नहीं मिलेंगे। तो पहला पॉइंट रहने वाला इस गाड़ी का लुक। लुक वाइज देख सकते हैं गाड़ी देखने बहुत ही सही लगती है, कोई दिक्कत परेशानी को देखने को नहीं मिलती है। ये हमारा ग्रे कलर है, अगर वहीं मैं आपको ग्रीन कलर दिखा दूँ वो भी देखने में अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप वहीं कंपेयर कर लेंगे पल्सर को तो कुछ लोग बोलेंगे पल्सर का भी लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं लुक वाइज दोनों ही बाइक को बराबर पर रखता हूँ, दोनों का ही लुक बहुत अच्छा देखने को मिलता है। आप इसका भी लुक देख सकते हैं और वहीं पर आप पल्सर का भी लुक देख सकते हैं, जो पल्सर आपको 125 आती है। दोनों 125 सीसी बाइक हैं, SP 125 और पल्सर 125, तो दोनों का लुक ऑलमोस्ट सेम है। आप दोनों को मैं 50-50 करके चलता हूँ कि लुक वाइज ना ही ये बाइक ज़्यादा अच्छी है ना ही वही बाइक ज़्यादा अच्छी है, दोनों बराबर पे है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ लोग बोलेंगे कि उनके लिए होंडा SP ज़्यादा अच्छी है, कुछ लोग बोलेंगे उनके लिए पल्सर ज़्यादा अच्छी है। लेकिन अगर मैं अपना पर्सनल व्यू दूँ तो आप ये ग्रीन कलर भी चेकआउट कर सकते हैं, जो कि ये होंडा SP का ही ग्रीन कलर है, स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर इसको बोलते हैं। ये भी देखने बहुत ही गुड लुक लगता है। तो आप इसको पल्सर कम आ नहीं सकते हैं ना ही पल्सर से आप ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि दोनों ही गाड़ियाँ बहुत ही सही हैं। लुक वाइज दोनों देखने में बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही अच्छी लगती है। देख सकते हैं आप इसको भी लुक वाइज बहुत ही सही आपको ये गाड़ी देखने मिलती है। आप देख सकते हैं जो ये स्ट्राइकिंग ग्रीन कलर की पूरी स्ट्रिप लगाई गई है, देखने में बहुत ही सही लगती है। ओवरऑल बहुत ही सही है, आप डिज़ाइनिंग देख सकते हैं इस गाड़ी का। और जो फ्यूल टैंक पे पूरा स्टिकर जो कोटिंग की गई है वो देखने में बहुत ही ग्लॉसी फिनिश देखने को लगती है और बहुत ही ज़्यादा शाइन करती है, आप देख सकते हैं। तो जो लुकिंग वाइज बात है, दोनों ही बाइक के बराबर हैं, आप किसी को भी एक दूसरे बाइक से कम नहीं आ सकते हैं। दोनों ही बाइकें देखने में अच्छी लगती है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको पल्सर 125 और होंडा SP में दोनों में से कौन से आपको बेस्ट लुकिंग वाइज लगती है। उससे चलिए पहला पॉइंट की बात कर लेते हैं जो इसको डिफरेंट बनाती है पल्सर से होंडा SP को, जो कि इसका LED हेडलैम्प रहने वाला है। आपको इसमें डुअल LED हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है, देख सकते हैं देखने में बहुत अच्छा लगता है। जो आपका नीचे का पार्ट है वो आपका हाई बीम पे काम करेगा और अपर वाला आपके लो बीम पे काम करेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है और आपको ये पल्सर में देखने को नहीं मिलता है। दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम आपको देखने को मिलती है, हो सकता है 1-2 हज़ार आपको पल्सर सस्ती देखने को मिल जाए, बाकी वैसे बराबर ही है दोनों बाइकें। लेकिन जो इसका LED हेडलैम्प सेटअप है वो पहला पॉइंट है। उसके बाद दूसरे पॉइंट की बात कर लें तो मैं बता दूं इसका जो मीटर कौन सा लेने वाला है। मैं आपको पहले चेकआउट भी करा देता हूं, लगभग हमारी गाड़ी जो 3035 किलोमीटर चल चुकी है, देख सकते हैं आप लोग। जिसका मीटर कौनसोल है उसमें आपको बहुत ही फीचर लोडेड देखने को मिलता है। आपको इसमें पूरे फुली डिजिटल मीटर कौनसोल दिया गया है, जो कि आपको पल्सर में ऑफर नहीं होता है। पल्सर में आपको नॉर्मल देखने को मिलता है और जो इसके फीचर्स दिए गए वो बहुत अच्छे दिए गए। आपको रियल टाइम माइलेज बताता है, फ्यूल टू एम्प्टी जैसे फीचर देखने को मिलते हैं, 2 ट्रिप मीटर आपको देखने को मिलता है। और आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपको बीच में आपका स्पीड शो करता है। टॉप पे आपको इको मोड की एक लाइनिंग देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छी है। और आप इस वीडियो में पूरा एंड तक बनेगा, आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि आपको पल्सर रहना चाहिए या होंडा SP। उसके बाद आप ये न्यूट्रल दे सकते हैं, जो आप जिस गाड़ी में अपने गियर में रखेंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। फर्स्ट गियर में रहेगा तो फर्स्ट गियर शो करेगा, थर्ड में रहेंगे तो थर्ड शो करेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा प्लस पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलता है कि आपको इसके जो मीटर कंसोल में आपको गियर भी शो करता है कि आपकी गाड़ी किस गियर में है। तो ये था। उसके बाद अगर थर्ड पॉइंट की बात कर लें तो मैं आपको बता दूं आपको इसमें एक साइलेंट स्टार्ट फीचर देखने को मिलता है, वो भी आपको चेकआउट कराता हूँ, जिसका नाम ESP टेक्नोलॉजी है, जो आपको पल्सर में नहीं मिलता। जो आपको इसमें ESP टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, इनहेंस स्मार्ट पावर, वो मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या टेक्नोलॉजी है, आपकी गाड़ी कैसे एकदम साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है। तो आप करिए कि मैंने यहाँ गाड़ी स्टार्ट की, देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट हो गई, इंजन का साउंड देख सकते हैं जो आपको इसमें ESP टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। और यहाँ पे आप इंजन की मदद से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो आप सभी ने देखा जो कि हमारा थर्ड पॉइंट था, ESP टेक्नोलॉजी, इनहेंस स्मार्ट पावर, आपकी गाड़ी से सेल्फ रिमूव कर दिया गया है, वहाँ पे एक ACG मोटर लगाया गया है जो कि आपकी गाड़ी को बिल्कुल ही साइलेंटली स्टार्ट कर देता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद आपको यहाँ पे देख सकते हैं रबर कोटिंग वाला ग्रैब हैंडल देखने को मिलता है। सीट में बहुत अच्छी कुशनिंग की गई है, कोई आपको दिक्कत परेशानी जैसे नहीं मिलती है। तो इसको हम एक पॉइंट में काउंट नहीं करेंगे। जो हमारा थर्ड पॉइंट था वो ESP टेक्नोलॉजी थी, जो कि एक साइलेंटली स्टार्ट फीचर था, बहुत अच्छा काम करता है जो इसका साइलेंटली स्टार्ट फीचर है। आपकी गाड़ी बिल्कुल ही साइलेंटली स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल आपको ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। जो आपको मोटर की गड़गड़ाहट देखने को मिलती थी वो आपको इसमें बिल्कुल महसूस नहीं होगी। उसके बाद अगर फोर्थ पॉइंट की बात कर लें तो मैं आपको बता दूं इसमें आपको एक बहुत ही बेहतरीन माइलेज देखने को मिलता है। आपको लगभग 60 प्लस माइलेज बिल्कुल आपको गाड़ी बिल्कुल ही आराम से निकाल के देने वाली है।
जो कि बहुत अच्छी बात रहने वाली है। अगर आप इसे प्रॉपर इको मोड में ड्राइव करेंगे तो आपको हो सकता है इसे ज़्यादा माइलेज मिल जाए, लेकिन अभी हमको लगभग 60 के एमपीएल तक का माइलेज मिल रहा है, 64.7 के एमपीएल का, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लगभग हमको 64.7 का माइलेज मिल रहा है जो कि बहुत अच्छी बात है। ऑलमोस्ट 65 का आपको माइलेज मिल जाएगा इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात रहने वाली है। अगर आप इसको पल्सर से कंपेरिजन कर लेंगे तो पल्सर में लगा 50-55 तक का माइलेज मिलता है, इससे अधिक देखने को नहीं मिलता है। अगर आपके पास गाड़ी हो तो बिल्कुल कमेंट में बताइएगा कि आपको दोनों ही बाइकों में कितने का माइलेज मिल रहा है। और ये देख सकते हैं जो होंडा एसपी का मैंने आपको बताया जो माइलेज वाली बात, वो बहुत ही सही है। आपको इसमें एफआई देखने को मिलता है 125 सीसी का, एक बहुत अच्छा रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है। जो साउंड है वो बहुत अच्छा प्रोड्यूस होता है, एकदम नॉर्मल आपको साउंड देखने को मिलती है, ज़्यादा आपको लाउड साउंड इसमें देखने को नहीं मिलता है, नॉर्मल साउंड में आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। और जो इसका मीटर कंसोल है वो मैंने आपको बताई दिया, बहुत ही सही है, बेस्ट इन सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो हमारा पांचवा पॉइंट रहने वाला है वो यही रहने वाला है कि जो होंडा का इंजन है वो ज़्यादा रिफाइंड है, ज़्यादा बेस्ट इंजन आपको देखने को मिलता है अगर आप पल्सर 125 से कंपेयर करेंगे। ज़्यादा रिफाइंड इंजन है, ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने को मिलता है, वही मेरे को बहुत अच्छी बात लगी। जो इसका इंजन है वो बहुत ही सही है, आपको अच्छा कंफर्ट लेवल देखने को मिलता है, और जो इसकी में आपको सीट में कुशनिंग की गई है वो भी बहुत अच्छी की गई है। तो पांचवा पॉइंट हमारा इंजन रहने वाला है, जो आपको इसमें इंजन देखने को मिलता है वो बहुत ही सही इंजन आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है होंडा कंपनी तरफ से। आपको अच्छा ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है इसके इंजन से, कोई दिक्कत परेशानी को देखने को नहीं मिलती है इसके इंजन वाइज, और अच्छा परफॉर्मेंस है इसके इंजन का। तो मैंने आप सभी को वीडियो बता दिया जो कि आपको फीचर्स इसमें देखने को मिलता है जो कि होंडा एसपी आपको बस ऑफर करती है, वो जैसे पहला फीचर इसका रहा एलईडी हेडलैम्प सेटअप, दूसरा आपको जो इसका फुली डिजिटल मीटर कंसोल देखने को मिलता है जिसमें आपको एडवांस फीचर देखने को मिलते हैं, रियल टाइम माइलेज, फ्यूल टू एम्प्टी फीचर। अगर वही बात करें रियल टाइम माइलेज, तो आपकी गाड़ी जैसे स्पीड में चल रही है तो उसके बाद बताएगा आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है। फ्यूल टू एम्प्टी, अगर माइलेज आपके टैंक में 5 लीटर पेट्रोल है तो उसमें बताएगा कि 5 लीटर तेल में आपकी गाड़ी और कितने किलोमीटर चल सकती है, आपको ये मीटर कंसोल में क्लियर दिखाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी स्पीड की वजह से चेंज भी होता जाता ही है, और मैंने आपको दिखा दिया कि हमारी गाड़ी लगभग 64.7 के एमपीएल का माइलेज दे रही है, वो भी मैं चेकआउट करा देता हूँ। बहुत लोग बोलेंगे मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन आप लोग मीटर कंसोल में क्लियर चेक कर सकते हैं 64.7 के एमपीएल का हमको माइलेज देखने को मिल रहा है, जैसा कि मैंने अपना चौथा पॉइंट बताया था जो इसमें आपको अच्छा माइलेज देखने को मिलता है। उसके बाद ओवरऑल जो गाड़ी है बहुत ही सही है, आपको कोई इसमें दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलने वाली है। मैंने आपको सारे फीचर बता दिए जिसकी वजह से आप इस बाइक के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इसका इंजन बहुत अच्छा रिफाइंड आपको इंजन देखने को मिलता है। लुक वाइज दोनों ही गाड़ी मुझे बराबर लगती है, आपको लुक वाइज 50-50 रखना पड़ेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको इन दोनों गाड़ियों में लुक किसका अच्छा लगता है। उसके बाद एक जो डिसएडवांटेज जो देखने को मिल रहा है होंडा एसपी में, वो भी मैं आपको बता देता हूँ क्लियरली। आप इस वीडियो को एंड तक बने रहिए, मैं आपको इसके डिसएडवांटेज बता दूंगा। जो इसका बैक का टायर है वो आपको थोड़ा इशू कर सकता है, कि जो बैक का टायर है वो पतला रखा गया है और फ्रंट का टायर भी पतला रखा गया है। फ्रंट का तो चल जाता है, लेकिन जो बैक का टायर है अगर थोड़ा हल्का मोटा दे दिया जाता, लगभग 10-20 mm अगर बढ़ा दिया जाता तो वो अच्छी बात रहती, क्योंकि जो इसका बैक का टायर है आपको कम साइज का रखा गया है कि आपको अच्छा माइलेज देखने को मिले। लेकिन वहीं पर थोड़ा रोड पे ग्रिप वाइज थोड़ी प्रॉब्लम को देखने को बिल्कुल मिल सकती है, जो रोड पे ग्रिपिंग है वो थोड़ी आपको कम देखने को मिलेगी, थोड़ा कम महसूस हो सकता है आपको बिल्कुल इससे, तो वहाँ पर आपको थोड़ा ये मार खा जाती है होंडा एसपी। अगर आप इसको पल्सर से कंपेरिजन करेंगे कि पल्सर का जो बैक का टायर है थोड़ा मोटा रखा गया, अच्छा सपोर्ट आपको रोड पे देखने को मिलता है, जो रोड पे ग्रिप देखने को मिलती है वो पल्सर में आपको ज़्यादा अच्छा देखने को मिलती है अगर आप उसको होंडा एसपी से कंपेरिजन करेंगे। और अगर आप होंडा एसपी को 40-50 किलोमीटर की स्पीड में चलाएंगे तो आपको इससे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। मैंने आपको इसके सारे पॉइंट बता दिए जो जो इसके मेन पॉइंट्स हैं, जो इसके वजह से आप इसके साथ बिल्कुल जा सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। जैसे कि सर मीटर कंसोल, एलईडी हेडलैम्प सेटअप, आपको इसमें एक अच्छा रिफाइंड इंजन देखने को मिलता है। उसके बाद इसका जो माइलेज रहने वाला है वो एक प्लस पॉइंट रहने वाला है। तो यही सभी फीचर थे जिसके लिए आप होंडा एसपी बिल्कुल जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जाएँ, ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और वैसे वीडियो लेकर आता रहूँ। और मैंने आपको इसका साइलेंट स्टार्ट फीचर भी चेकआउट करा दिया, इंजन स्टार्ट कर गई है कि आपको कितना ईजिली इसका जो इंजन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो यही सब इसके फीचर जो पाँच जो आपको पल्सर में देखने को नहीं मिलते हैं, जो आपको बिल्कुल होंडा एसपी में देखने को मिलेंगे, तो आप इसके लिए बिल्कुल जा सकते हैं। अगर आपके लिए सब पॉइंट मैटर करें तो आप बिल्कुल इस गाड़ी को ले सकते हैं, अगर आपके लिए सब पॉइंट मैटर नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल पल्सर से भी जा सकते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये आप सभी देख सकते हैं, ये हमारे पास डिस्वेरियंट वाली गाड़ी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पता ही होगा, तो इसके मैं आपको 3-4 मेन हाइलाइटेड फीचर बता देता हूँ जो कि इसमें आपको बेस्ट देखने को मिलते हैं। पहला इस गाड़ी का हेडलाइट, आपको फ्रंट में एलईडी हेडलैम्प सेटअप देखने को मिलता है। मैं आप सभी को दिखा देता हूँ, देख लीजिए इस गाड़ी का एलईडी हेडलैम्प सेटअप है, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट देखने को मिलता है। इस गाड़ी में आपको एलईडी हेडलैम्प देखने को मिलता है। उसके बाद अगर और बात कर लें तो आपको जिसमें मीटर कंसोल दिया